हाँ जी प्रजापिता भी है, प्रजापिता ही है। हाँ जो बीज है वो तने में, टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? है? समाया हुआ है, समाया हुआ है कि बीज में ये सब समाये हुए हैं? बीज में सब समाये हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बीज सारे वृक्ष में समाया हुआ है। इसलिए वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी भक्ति मार्ग में लिखा हुआ, न आम तेषु ते मय, मैं उनमें समाया हुआ नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, लेकिन वो सब मेरे में है। आया समझे? शिव बाप समाया हुआ है पूरे वृक्ष में? नहीं, सारी दुनिया शिव बाप में समाई हुई है। प्रजापिता में समाई, प्रजापिता में समाई हुई, प्रजा माते हैं, प्रजापिता माने बीज, बीज में सारी दुनिया समाई हुई है। लास्ट टाइम जब सारी आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि को, सूक्ष्म लोक को छोड़ करके परमधाम में जाएंगी तो किस में समाई हुई होंगी, किसकी याद में समाई हुई होंगी? मनुष्य सृष्टि के बीज बाप में समाई हुई होंगी। मनुष्य सृष्टि का बीज बाप जो प्रजापिता है उसकी याद में समाई हुई होंगी कि निराकार की याद में समाई हुई होंगी? मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है उसमें समाई हुई होंगी। तो अब समझ में आ गया? निराकार शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है कि सबको आप समान बनाता है? एक को आप समान बनाता है, इसलिए एक के लिए ही गायन है शिव शंकर भोलेनाथ, किसी दूसरी आत्मा का गायन नहीं है। 500 करोड़ में से या 33 करोड़ देवताओं में से या त्रिमूर्ति में से सिर्फ एक का गायन है, अर्थात शिव बाप जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। दुनिया में भी जितने राजाएं हुए हैं उन राजाओं ने ढेर के ढेर बच्चे पैदा किए, आप समान राजा किसको बनाता है? ढेर के ढेर बच्चों को बनाता है या बड़े बच्चे को बनाता है? बड़े बच्चे को बनाता है। अभी भी ऐसे ही है, शिव बाप आया हुआ है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष न होने के कारण, साधारण रूप में आए हुए होने के कारण मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, न समझने के कारण संशय पैदा करते हैं और संशय बुद्धि विनश्यंती हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती का मतलब क्या हुआ? अनिश्चय पैदा होता है बाप के ऊपर तो पद का विनाश हो जाता है, नहीं तो बाप के बच्चे बने तो विश्व के बादशाह बनने चाहिए। बाप विश्व की बादशाही देने आया है लेकिन दूसरों मनुष्यों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, उनके बच्चे बन जाते हैं।
और झूठी बातों पर विश्वास करके अनिश्चय पैदा कर लेते। मनुष्य के बच्चे बनेंगे तो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे, भगवान के बच्चे बनते हैं तो निश्चय बुद्धि बनते हैं। तो यही बात है, किसने बोला? शिव बाबा कहेंगे, शिव बाप ने बोला, ऐसा नहीं बोला, शिव बाबा ने बोला। बाबा कब कहा जाता है? साकार और निराकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। उनको अलग अलग नहीं कह सकते, अलग अलग करेंगे तो वो बोल ही नहीं सकते, और अगर बोलेंगे तो जिस शरीरधारी को बाबा बोला है वो झूठा बोलेगा या सच्चा बोलेगा? झूठा बोलेगा। शिव सदैव सत्य है, वो बोल नहीं सकता। जब तक शरीर में ना आवे, तो शरीर में आकर के बोलता है तब शिव बाबा कहा जाता है। तो कहते हैं कि तुम सदैव समझो कि शिव बाबा ही बोलते हैं। कभी भी ये अनिश्चय पैदा मत करो कि ये बात शिव बोलते हैं, ये बात देहधारी बोलता है। और जो संदेशी के लिए जाते हैं ना ऊपर, संदेश माने साक्षात्कार। संदेशियां संदेश में लेने के लिए जाती हैं, माने साक्षात्कार में जाती हैं, और वो साक्षात्कार है जैसे कि स्वप्न। रोजमर्रे की जिंदगी में हम जैसे संकल्प करते हैं वैसे रात में स्वप्न आते हैं, तो उन आत्माओं को भी साक्षात्कार होता है। और जिनको साक्षात्कार होता है वो भक्त होते हैं या ज्ञानी होते हैं? वो भक्त हैं। जो भक्त हैं वो स्वप्न और साक्षात्कार का सही अर्थ नहीं जान सकते। बहुत सी संदेशियां संदेश में जाती हैं, साक्षात्कार में जो देखती हैं वो छप जाता है और वो उसके अर्थ को नहीं जानती। जैसे संदेशियों ने पहले बताया कि मम्मा अभी कहाँ है, तो जवाब दिया मम्मा अभी नेपाल में है। दूसरी बार साक्षात्कार में गए तो बोला मम्मा लंदन में है। तीसरी बार साक्षात्कार में गई तो कहा मम्मा दिल्ली में है। तो इसका अर्थ है क्या वो संदेशियां जानती है? नहीं जानती। और मनुष्य में शरीर छोड़ता है, मनुष्य में शरीर छोड़ता है, फिर आपको जन्म लेता है, तो सदा सर्वदा पुराण कूदन करेगा, शराब जन्म करेगा, मतलब क्या है? करना पड़ता है, शराब करना पड़ता है। हाँ, ये जो पढ़ता है ये मनुष्यों की मत पर हम कर रहे हैं या भगवान की मत पर कर रहे हैं? श्राद्ध वगैरह जो करते हैं या जो छठी मनाते हैं, मुंडन कराते हैं, यज्ञोपवीत कराते हैं, शादी करते हैं, ये मनुष्यों की मत पर कर रहे हैं या भगवान की मत पर कर रहे हैं?
और मनुष्य अनेक धर्मों के हैं, या भगवान ने जो धर्म स्थापन किया उस धर्म के हैं, और ये श्राद्ध वगैरह जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म वाले ही करते हैं या क्रिश्चियन और मुसलमान और बौद्ध भी करते हैं? है बौद्ध भी करता है, एक ही जैसे करते हैं या अलग अलग प्रकार से करते हैं? अलग अलग प्रकार से करते हैं। इसका मतलब ये है कि मनुष्यों की मत अलग अलग प्रकार की है, वो अलग अलग प्रकार की मत जो है वो अंधश्रद्धा युक्त मत है, उस अंधश्रद्धा से दुनिया नीचे जा रही है, सच्चाई नहीं है। आप श्राद्ध करें या न करें, आप तेरहवीं करें या न करें, मनुष्य के मरने के बाद चौथा करें या न करें, बाबा की मत ये है कि आत्मा शरीर छोड़ती है और तुरंत जाकर के शरीर में गर्भ में प्रवेश कर जाती है। ये श्राद्ध वगैरह करना मनुष्यों के हुजूम की मत है, एक हुजूम है जिसका नाम है हिंदू धर्म वाले, वो हिंदू धर्म वाले आज दुनिया की दृष्टि में सबसे जास्ती अंधश्रद्धालु हैं, या और धर्म के लोग ज्यादा अंधश्रद्धालु हैं? है हिंदू धर्म वाले ज्यादा अंधश्रद्धा पे चल रहे हैं, तो ज्यादा नीचे कौन गिरे हैं? हिंदू ही नीचे गिरे हैं। तो श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने से फायदा है या नुकसान है? है फायदा है, श्राद्ध करने से फायदा है। क्या फायदा होता है? स्वर्ग में चले जाते हैं, श्राद्ध करने से स्वर्ग में चले जाते हैं नहीं जाते? फिर क्या फायदा हुआ? है इसका मतलब ये हुआ आपकी भक्ति मार्ग के टंटों घंटों में अभी श्रद्धा है, भगवान की मुरली में श्रद्धा नहीं है, या दोनों तरफ पांव रखा हुआ है? दो नाव में जो पांव रख करके चलता है उसकी दुर्गति होती है या सदगति होती है? है एक नाव इधर जा रही है, एक नाव इधर जा रही है, और दोनों नाव पास में आ गई और दोनों में पांव रख दिया, दोनों नाव चल पड़ी, तो क्या होगा? है या तो चिर जावेंगे या तो डूब जावेंगे, ऐसे ही करना है? है ऐसा ही करना है? ऐसा नहीं करना है। और हाँ बताते हैं कि आत्मा यहाँ एक शरीर छोड़ के तुरंत जाकर दूसरे में प्रवेश करती है, तो पुनर्जन्म देती है, उसका श्रद्धा वगैरह कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ना कोई अकाल नहीं शरीर छोड़ते है ना, वो सुषुम्न शरीर में भटक के उनके लिए क्या करना? कुछ नहीं करना, बाबा को याद करना। बाबा की याद की शक्ति उन्हें मिलेगी तो आज नहीं तो कल ज्ञान में खिंचे आवेंगे, कोई ऐसे में प्रवेश करेंगे जो ज्ञान में चल रहा होगा। हो सकता है यहाँ जितनी आत्माएं बैठी हैं उनमें भी वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रवेश करके अभी बाबा से दृष्टि भी ले रही हो, ज्ञान भी सुन रही हो, तो उनकी गति सदगति होगी कि नहीं होगी? ज्ञानी लोग तो बाबा को याद करेंगे, अज्ञानी लोगों के बीच में कोई अकाल मृत्यु होती है ना आत्मा सखी होती है, उनको क्या बताएं, किसको याद करेंगे? अज्ञानी होते हैं तभी तो अकाले मौत होती है, अकाले मौत होने के बाद आत्मा भटकती है ना, तो भटकने वाली आत्मा अगर पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब होगा तो ज्ञानियों के नजदीक पहुंच सकती है या नहीं? बोलो। अरे जा सकती है, बस उसका कल्याण होगा, जैसा संग वैसा रंग जरूर लगेगा। आखिर दुनिया में इतनी
अकाले मौत हो रही है, हो गई है, और आगे चल के बड़ी बड़ी बिल्डिंग एटम बमों से ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी, तो कितने अकाले मौत हो जाएंगी। ये ढेर की ढेर आत्माएं भटकने वाली, इनकी मुक्ति कैसे होगी? इनकी मुक्ति के लिए कोई आधार चाहिए या नहीं चाहिए? ज्ञानियों का आधार इनको मिलता है, इसलिए एक एक ज्ञानी रुद्र मणके में, रुद्राक्ष के मणके में 14-14 मुख भी दिखाए हैं। 14-14 प्रकार की आत्माएं उनमें प्रवेश करके बोलती हैं, उनके मुख का आधार लेती हैं, इसलिए रुद्राक्ष के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं। कोई रुद्राक्ष का मणका ऐसा है जो एक मुख वाला ही होता है, वो मिलता ही नहीं, और मिलता है तो विरलों को मिलता है। उसका क्या वैल्यू है? है वो एक मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है ना, हाँ, उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू क्या, मूल्य है उसका, वैल्यू क्या है? भगवान की वैल्यू क्या होती है? बहुत बहुत वैल्यू होता है। तो बस उस मणके की भी बहुत वैल्यू हो जाती है। विश्व का बादशाह होता है, जो विश्व का बादशाह होगा उसकी क्या वैल्यू होगी? सारी दुनिया की प्रॉपर्टी एक तरफ रखो, और वो कृष्ण की आत्मा जिसे भक्ति मार्ग में दिखाया है, तराजू में तौला गया है, सत्यभामा ने क्या किया? कृष्ण को भगवान समझा ना, एक और तराजू में रखा पलड़े में, और सारी दुनिया की जितनी भी प्रॉपर्टी थी सत्यभामा के पास, जन्म जन्मांतर की प्रॉपर्टी कौन सी मणि से मिली थी? है सत्यभामा के मायके में एक मणि थी जो बहुत सोना देती थी, वो सारा का सारा सोना दूसरे तराजू में रखा गया। बराबर हुए क्या दोनों पलड़े? बराबर हो गए? नहीं हुए। तो वो एक आत्मा एक तरफ और 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं दूसरी तरफ, तो भी उसकी वैल्यू के बराबर नहीं। इतनी है उस मणके की वैल्यू, उसमें एक ही बाप दादा प्रवेश कर सकते हैं, दूसरी आत्माएं उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वो एक मुख का मणका है, जैसे कोई दुकानें होती हैं, दुकानदार होते हैं, एक दाम लगाते हैं, कोई दुकानदार होते हैं अभी अभी एक दाम बोलेंगे, थोड़ा उनको हिलाओ डुलाओ, उठ के चलने लगो, अच्छा अच्छा इतना दे देना, मुख की बात को तोड़ देते हैं। तो भगवान एक मुख से बोलता है या दुमुह है? है एक मुख की बात करने वाला है, जो एक मुख की बात करने वाला है वो ही सच्चा होता है। जो 6 मुखों से बोलता है उसको क्या कहा जाता है? कोई 6 मुखों वाला देवता है? है कौन है? हाँ, जो 6 मुखों वाला देवता है वो भी किसकी औलाद है? वो शिव की औलाद है या शंकर की औलाद है? शंकर की औलाद बताते हैं कार्तिकेय, वो 6 मुख से बोलता है, अर्थात 6-6 धर्मों की बात करता है, असली धर्म को नहीं पहचान पाता जल्दी, इसलिए उस देवता की उत्तर भारत में पूजा होती है,
या दक्षिण भारत में पूजा होती है? कहाँ पूजते हैं? दक्षिण भारत में पूजते हैं। बाबा ने बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश, यानी जो विदेशी धर्म है वो ही कार्तिकेय को मानते हैं, जो स्वदेशी धर्म है वो गणेश को मानते हैं। गणेश है पहला पत्ता सृष्टि का, देह अभिमान का फाउंडेशन है या नहीं है? देह अभिमान का फाउंडेशन है। सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक मस्तक से लेकर के पांव तक देह अभिमान फैला हुआ है। सूंड दिखाते हैं ना, वो कौन सी आत्मा है? गणेश, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल। पहले जन्म में वो देह अभिमान क्या है उसमें? षष्ठ के आदि में ही क्या देह अभिमान है? अरे कोई देह अभिमान है कि नहीं उसमें? अरे नहीं, पहले जन्म में सतयुग में है आंखें, आंखों से राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, देह का सुख ले रहे हैं, उस देह के सुख से नीचे गिरते हैं। उनको जन्म देने वाले जो नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, वो आंखों से भी एक दूसरे को नहीं देखते हैं। वो गिरती कला वाले हैं या चढ़ती कला वाले हैं? वो चढ़ती कला वाले हैं। और भगवान जी एक मुख से बोलते हैं ना, तो एक मुख के रुद्राक्ष बोलते हैं। बाबा जी जिस रखते हैं अभी बाबा शिवा जी से रखते हैं, जिस मुख से एक मुख से बोलते हैं उससे दूसरी आत्मा भी बीच बीच में बोलती है, है? उससे दूसरी आत्मा भी बोलती है? हाँ, बीच बीच में वो भी बोलती है दूसरी आत्मा भी, तो फिर वो तो दो मुख वाला हो गया ना। लेकिन तुमको क्या डायरेक्शन मिला है? बाबा ने क्या बोला कि ये ब्रह्मा बीच बीच में इंटरफेयर करके बोलता है, ठीक है? तो वो एक मुख से जो बात आती है उसे दूसरा मुख नहीं बोलता है। बोलने दो, लेकिन उसकी गारंटी किसने ली है ब्रह्मा की? बाप ने ली है। क्या गारंटी ली है? मेरी भूला मैं ठीक कर ही दूंगा। तो 2017-18 में क्या हो जाएगा? वो गलत ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मतलब अभी वो एक मुख से बात नहीं हो पा रही है, दो होते तो तुमको बुद्धू कौन बनाएगा? तुम अभी किसकी औलाद हो? भगवान की औलाद हो या ब्रह्मा मनुष्य मनुष्य की औलाद हो? मनु की औलाद हो। तो निश्चय में ब्रह्मा आता तो तुम उसके बच्चे उनकी औलाद आएगी कि नहीं? अरे वो एक मुख वाला नहीं बोल रहा है, एक मुख वाला ही बोलता है, फिर वो दूसरा ही बोलता है। तो तुम किसके आधार पे चलते हो? अरे तुम किसकी औलाद हो? मनु की औलाद। तो तुम भगवान की औलाद हो या मनुष्य की औलाद हो? भगवान तो गुप्त में आते हैं। जो गुप्त को प्रत्यक्ष कर लेता है वो ही भगवान का बच्चा है, या गुप्त को गुप्त ही रहने जाता है वो भी धर्मी है? स्वधर्मी कौन है और विधर्मी कौन है? जो गुप्त को भी प्रत्यक्ष कर ले वो स्वधर्मी है, और जो प्रत्यक्ष नहीं कर पाता ब्रह्मा में ही लटक के रह जाता है। ये ब्रह्मा ने बोला। तो बुद्धि में ब्रह्मा समा गया या भगवान समा गया? कौन समा गया? तो ब्रह्मा की औलाद हुए। ब्रह्मा की औलाद माने अम्मा की औलाद। प्रजापिता बाप मुकर्रर रथ को फिर भी नहीं पहचाना, और
बाबा ये भगवान कल्प फलक ये परमधाम से साकार कृष्ण आते हैं साकार देश में, तो गुप्त देश में आकर के गुप्त रूप में सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए विधि को ही क्यों अपनाता है? ये गुप्त देश में ये सनातन आदि सनातन जी से तो धर्म की स्थापना करने को जो विधि अपनाते हैं वो प्रत्यक्ष का विधि अपनाते तो क्या नुकसान होता था जो गुप्त? इसलिए ये नुकसान होता फिर सारे ही विश्व के बादशाह बन जाते और भगवान को माला बनानी है। माला माने संगठन, कैसा संगठन बनाना है? अब्बलंबर संगठन भी बनाना है, पास विदानर का संगठन बनाना है, फिर फर्स्ट क्लास आत्माओं का संगठन बनाना है, 108 की माला बनानी है, फिर सेकंड क्लास आत्माओं का संगठन बनाना है। वो सेकंड क्लास है 16,108, फिर थर्ड क्लास का भी संगठन बनाना है, वो कौन है? 9,00,000, 16,108 या 4,00,000, 4,50,000, 4,50,000 का भी संगठन बनाना है। 4,50,000 हैं राजाई को मानने वाले, राजा को भगवान के रूप में स्वीकार करने वाले, और बाकी जितने भी हैं वो सब भगवान को अंत तक नहीं पहचान पाएंगे, संपूर्ण रीति से नहीं पहचान सकते, परसेंटेज में पहचानेंगे। परसेंटेज में पहचानेंगे तो अंत में उसी स्टेज में याद में परमधाम जावेंगे। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर को बैठाया हुआ है। ले जाने वाला रूप कौन सा दिखाया है? 500 करोड़ आत्माओं को परमधाम ले जाने वाला कौन है? प्रैक्टिकल में निराकारी स्टेज वाला कोई है साकार व्यक्ति जिसको शंकर के रूप में झाड़ के चित्र के ऊपर बैठाया हुआ है? इसलिए भक्ति मार्ग की गीता में भी तीन प्रकार की आत्माओं की स्टेजेस दिखाई गई है। एक स्टेज वो है जो निराकारी है, अव्यक्त है, सदैव सदैव मुक्त है, जीवन मुक्ति में भी नहीं आता, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, एवर प्योर है। दूसरी आत्माएं वो हैं जो इम्प्योर भी बनती हैं, नंबरवार पवित्र भी बनती हैं, जन्म मरण के चक्र में भी आती हैं, कम या ज्यादा जन्म भी लेती हैं, मन जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, एक और जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में सर्वोपरि आत्मा बताई है। गीता में उसे परम पद बताया है। जो परम पद लेने वाला है वो शिव है या जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में से कोई एक है? कौन है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनमें से कोई एक हीरो पार्टधारी है, ऑलराउंड पार्टधारी है, जो परम पदधारी है। परम शब्द जब कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है ऊंचे ते ऊंचा, परे ते परे, जिसको कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता, ऐसा पद। और वो पद नीचे या ऊंचे इस साकारी दुनिया में बनते हैं या परमधाम में बनते हैं? साकारी दुनिया में ही बनते हैं।
तो वो तुरीय आत्मा वो भी है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में तुरिया है, परम पद विष्णु पद धारी आत्मा है। वो विष्णु पद ब्रह्मा सो विष्णु, एक ब्रह्मा का यादगार है। ये जितने भी ब्रह्मा होते हैं उनका यादगार है। किसका यादगार है? हा? अरे परम पद जब कहा जाता है तो एक होगा या दो चार आठ होंगे, एक ही होगा। इसलिए विष्णु रूप में चार भुजाएं दिखाई गई हैं। भुजाएं अपने आप चलती हैं, कोई चलाने वाला होता है? भुजाएं तो जड़ होती है, जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली होती है, वो अपने आप नहीं चलती, उनको चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है मस्तक में, वो कौन है? हैं? हराम वाली आत्मा। उसी के लिए बोला है परम पद धारी, परम पदी विष्णु, परम ब्रह्म। श्लोक गाते हैं ना, गुरुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन साकार को करने वाली बात है या निराकार ज्योति बिंदु को नमन करने की बात है? साकार को ही नमन करने की बात है। तो वो कौन साकार है जिसमें वो सदा निराकारी मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है? वो ही परम ब्रह्म है। ब्रह्म रहने का स्थान है या नहीं है? रहने का स्थान को ही ब्रह्म कहा जाता है। तो शिव जब इस दुनिया में आता है तो कौन से मुकर्रर स्थान में आता है? जिस मुकर्रर स्थान में पहले आता है, पहले पहले प्रवेश करता है, वो ही परम ब्रह्म है। जिसके लिए गीता में बोला है कि मैं बीज बोता हूं ज्ञान का, ब्रह्मलोक में वो ब्रह्मलोक कौन सा है? गर्भ धारण कराता हूं तो जिस शरीरधारी में आता हूं वो प्रकृति का पहला रूप है या नहीं है? मैं आता हूं तो किसका आधार लेता हूं? प्रकृति का आधार लेता हूं। वो पहले पहले नंबर की प्रकृति कौन सी है? कृति। कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। और बाबा इस तरह से भगवान गुप्त वेश में आने से या बाबा का वेश बदलने से बच्चों को बाबा को पहचानने में और भक्त को भगवान को ढूंढने में मुश्किल हो जाती है? तो अच्छा है ना, बच्चे नंबर वार का पता कैसे चलेगा? बच्चे नंबर वार हैं, छोटे बड़े हैं या एक साथ पैदा हो गए?
कैसे पता चलेगा कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले आने वाले बड़े बच्चे हैं, ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आने वाला छोटा बच्चा है? ये छोटे बड़े का अभी संगम युग में पता चलना चाहिए कि नहीं? हम किस नंबर के पार्टधारी हैं? वो पार्टधारी तो बेवकूफ जो अपने पार्ट को ही न जानता हो। पार्ट को नहीं जानता होगा तो ड्रामा खत्म हो जाएगा, तब घर से निकलेगा रंगमंच पर जाने के लिए, क्योंकि उसे अपने पार्ट का पता ही नहीं है कि मुझे कब पहुंचना है। तो ये 500 करोड़ पार्टधारी हैं संगम युग में, न पार्टधारियों को अपने नंबर का पता चल जाना है कि नहीं चलना है? तो इसी तरीके से वो नंबर पता चलेगा। और कौन सा तरीका तुम बता दो, तुम बड़े शिव हो हम हो? नहीं बाबा, लेकिन बाबा से जानना चाहते हैं। तो बाबा तो बता, बाबा ही तो ये सारा ज्ञान दिया है। ज्ञान देने वाला कौन है, मनुष्य है या बाबा है? शिव बाबा ही है। तो ये बाप को पहचानने में निश्चय अनिश्चय के चक्कर के हिसाब से वो मेरा पद पद बने बिल्कुल आता है बाबा, विश्व का मालिक ज्ञान देकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, बच्चे को आता है तो हम सब लोग मालिक बनेंगे क्या? मालिक बनेंगे हम ज्ञान पाकर सब लोग मालिक माने राजा, मालिक माने, मालिक माने राजा, कोई छोटा राजा कोई बड़ा राजा, जो बड़े से बड़ा राजा वो विश्व का मालिक। उस विश्व के मालिक की ये खसूसियत है कि उस विश्व के मालिक की प्रजा में जितने भी आएंगे वो सब अपने को विश्व का मालिक समझेंगे, और किसी धर्म में ये खसूसियत नहीं है, और किसी धर्म की राजाई में ये खसूसियत नहीं है। आज की प्रजा जो प्रजातंत्र राज्य कहलाता है, उस प्रजा में ये खसूसियत नहीं है कि वो अपनों को राजा समझे। जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठा हुआ होगा, उसको अहंकार आ सकता है, लेकिन बाकी जो नीचे हैं उनके अंदर ये भावना नहीं आ सकती। इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होगा या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा है? प्रजातंत्र में जो भी राजा है या जो भी प्रजा है, उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसके अंदर होगा और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसके होगा, किसके अंदर होगा, हीन भावना किसके लिए अंदर होगी? राजा क्वालिटी का है उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो सृष्टि का पहला राजा होता है वो कौन से धर्म का होता है, जिसके लिए कहा जाता है स्वधर्म ए निधनम से यह पर धर्म वो भयावह, वो कौन से धर्म का होगा? अरे बताओ ना, वो स्वधर्मी होगा, जो भगवान ने धर्म स्थापन किया उसी धर्म का हो। भगवान ने क्या धर्म स्थापन किया? भगवान ने वो धर्म स्थापन किया जिसके लिए भक्ति मार्ग की गीता में भी बोला है, क्या बोला है? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने जो धर्म सिखाया है उस धर्म की धारणा का स्वल्प भाग भी अगर धारण किया, थोड़ा हिस्सा भी अगर धारण किया, अभ्यास किया, तो वो बड़े से बड़े दुनिया के भय को दूर भगा देगा। कौन सा धर्म है? अरे आत्मा समझना,
ये विश्व का जो पहला बादशाह होगा वो ही ऐसा धर्म का पालन करता है। मैं भी आत्मा, ये प्रजा सारी क्या, ये भी आत्मा, मैं भी भगवान का बच्चा और ये सारी प्रजा भी किसके बच्चे, भगवान के बच्चे। तो समानता का व्यवहार करेगा या नीच ऊंच का व्यवहार करेगा, बताओ? समानता का व्यवहार करेगा। बाकी जितनी बाद में डिनेस्टीज आती हैं सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, उन सब डिनेस्टीज में राजा कुछ न कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला होगा और प्रजा कुछ न कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली होगी। हाँ, स्वर्ग में परसेंटेज कम होगी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, और द्वापर युग से ये परसेंटेज अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि जो पलड़ा है 16 कलाओं का वो आधा आधा रह जाता है। तराजू का पलड़ा हो, बराबर बराबर वजन रखा हो तो कांटा ऐसा रहेगा, अगर दूसरे पलड़े में थोड़ा सा भी अंश ज्यादा डाल दिया तो पलड़ा क्या करेंगे, है? नीचे ऊपर होने लगेंगे। तो द्वैतवादी युग आने से ये पलड़े नीचे ऊपर हो गए, अर्ध विनाश हो गया। और अभी तो ऐसा आने वाला है कि 500 करोड़ दुनिया की आत्माओं की ताकत एक तरफ हो जाए और एक आत्मा की ताकत दूसरे पलड़े में, और उसकी प्रजा की ताकत भी दूसरे पलड़े में, मुट्ठी भर प्रजा, मुट्ठी भर पांडव, कौन सा पलड़ा भारी हो जाएगा, है? पांडवों का पलड़ा भारी हो जाएगा और बाकी पलड़ा एकदम ऊपर, संपूर्ण विनाश हो जाएगा। और शरीर छोड़ो, अब जीते जी स्वर्ग जाना है, है? शरीर छोड़ो, जीते जी स्वर्ग जाना है, सूरज में आता है, आता है। हाँ, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, आत्मिक स्थिति में जब हम 24 घंटे के लिए टिक जाएंगे तो हमारे लिए इस दुनिया में ही ऐसा संगठन तैयार हो जाएगा जहाँ हम स्वर्ग अनुभव करेंगे, पैराडाइज अनुभव करेंगे, यही स्वर्ग अनुभव करेंगे, इसी दुनिया के अंदर स्वर्ग अनुभव करेंगे। इसलिए मुरली में बोला है, मैं नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग देता हूँ, स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, नहीं तो फिर भगवान कहेगा, भगवान आकर नरक को स्वर्ग बनाता है कि नहीं? भगवान की विशेषता क्या है? दुनिया का कोई भी धर्म पिता, कोई मनुष्य नरक को स्वर्ग नहीं बना सकता। बड़े बड़े चमत्कार करने वाले हुए दुनिया में, बड़े बड़े विश्व को जीतने वाले निकले दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया में बड़ा बड़ा भारी आतंक फैला दिया, लेकिन नरक को स्वर्ग कोई नहीं बना सका। ये एक ही भगवान है जो इस नरक की दुनिया को इसी जन्म में स्वर्ग बना के जाता है। और कैसा स्वर्ग? स्वर्ग नहीं उसे कहेंगे, उसे शास्त्रों में गायन है, बैकुंठ। क्रिश्चियंस के शास्त्रों में उसका गायन है पैराडाइज, मुसलमानों के शास्त्रों में गायन है जन्नत,
ऊंची स्टेज में ले जाने वाला है, नीचे गिरने वाला वो स्वर्ग नहीं है, लेकिन लिमिट है। क्या लिमिट बताइए, क्या लिमिट बताइए? ड्यूरेशन की लिमिट है। अरे स्वर्णिम संगम युग की कोई लिमिट है या नहीं? अरे संगम युग कितने साल का बताया? 100 साल। तो जरूर 100 साल के अंदर ही उसकी लिमिट है। जब तक भगवान इस सृष्टि पर है तब तक ही ऊंची स्टेज में चढ़ते रहेंगे। उसके बाद 5000 वर्ष का वो ड्रामा फिर रिपीट हो जाता है, जहां से पहले पत्ते की शुरुआत होती है। फिर तो नीचे गिरना है, 5000 वर्ष तक नीचे ही गिरते रहेंगे। उत्तरोत्तर ऊंची स्टेज नहीं होगी। और ओम शांति।